महा ठग सुकेश चंद्रशेखर की जिंदगी से जुड़ी हर फाइल को खंगालने के लिए तीन तीन जांच एजेंसियों ने अपने तमाम घोड़े खोल दिए हैं। इस बार ईडी के हवाले से जो खबर आई है वो अपने आप में किसी को भी चौंका सकती है। प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर जेल में बंद होने के बावजूद ठगी की वारदात को अंजाम दिया करता था। ईडी का दावा है कि सुकेश ने तकनीक का इस्तेमाल करके लोगों को स्पूफ कॉल की। इसी कॉलिंग के जरिए सुकेश ने जेल में बैठे बैठे सरकारी अधिकारी से 200 करोड़ की उगाही की। ईडी को अपनी जांच में इस बात का भी पता चला कि सुकेश और उसकी गर्लफ्रेंड लीना मारिया चेन्नई के एक आलिशान बंगले में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। ईडी के मुताबिक सुकेश के आलिशान बंगले, होम थिएटर और लग्जरी कारों को अब जब्त कर लिया गया है। ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। महज 17 साल की उम्र में उसने अपना ठगी का धंधा शुरू किया और उसके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ करोड़पति लोग होते थे या फिर वो लोग होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था। ये उनको झांसे में लाता कि वो उनके कनेक्शन बहुत ऊँचे रसूख के लोगों से वह करवाएगा और एक बार वह उनके झांसे में आ जाते तो वह अपने ठगी की वारदात को अंजाम देता। उधर ईओडब्ल्यू यानी कि आर्थिक अपराध शाखा ने सुकेश चंद्रशेखर की कथित पत्नी और फिल्म एक्ट्रेस लीना पॉल से भी लंबी पूछताछ की है, जिसमें आर्थिक अपराध शाखा को कई अहम बातों का पता चला है। बताया जा रहा है कि 200 करोड़ की ठगी के इस मामले में खुद को लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बताकर उसने फोन किया। इस दौरान कॉलिंग को टेलीग्राम के जरिए अंजाम दिया गया। सबसे पहले 20 करोड़ की डीलिंग के लिए $90,000 हांगकांग भेजे गए और फिर अप्रैल 2021 तक जेल से 200 करोड़ की वसूली हुई। पीड़ित पक्ष के मुताबिक इस दौरान करीब 30 बार पैसों का लेन देन हुआ। जब भी सुकेश के गैंग तक यह पैसा पहुंचाया गया तब तब मिस्ट्री गर्ल भी मौके पर एक गाड़ी के भीतर मौजूद रही। लेकिन वो लड़की कौन थी, उसका सुकेश से क्या